हाँ तो क्या हाल है सबके। मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं ह्यूमरस रिएक्ट। तो अनएक्सपेक्टेडली ठगेश और भुवन बम साथ में आ चुके हैं। हाँ ठगेश गया था वो दादा कवर की प्रीमियम पे, वो हम सबको पता है, पर ठगेश और भुवन बम दोनों साथ में आ गए। दो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट कॉमेडियंस कह सकते हैं, बेस्ट कॉमेडियन नहीं, बेस्ट इंटरटेनर्स जो है वो एक साथ यूट्यूब के, वन ऑफ द बेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखने जा रहे हैं भुवन बम रोस्ट ऑन ठगेश शो। ठगेश ने एक शो लॉन्च किया है, वो सेलिब्रिटीज से इंटरेक्ट करेगा। सीजन 1 का एपिसोड 1 है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखना शुरू करते हैं, और ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना जरूर, मजा आने वाला है। अरे नाइस म्यूजिक। अरे ये तो पूरा वो सेटअप है ना, जो एक शो अमेरिका में एक शो आता है, मैं भूल गया नाम उसका, लेकिन डिट्टो सेम सेटअप है, बैकग्राउंड से लेके पूरा, बस वहां सामने ठगेश शो लिखा हुआ है। सही है बे। क्या चल रहा है, दिस इज महेश केशवाला एके थगेश। वेलकम वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो सीजन 1। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ये इंडिया का पहला एंड इकलौता शो है जिसका आज तक एक भी एपिसोड फ्लॉप नहीं हुआ है। एंड आई नो तुम लोग ने कमेंट सेक्शन में अभी तक सस्ता जिमी फैलन, सस्ता जिमी हाँ, कैमल, वो सब डाल दिया जिमी रहेगा, लेकिन मैं एक फैक्ट बता दूं, हम लोग ने ये सब वर्ड्स ना कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर दिए। करो टाइप, फैलन। हाँ सन ऑफ अबीश भी कर दे। वैसे भी तुम लोग को बता दूं, ये थग लाइफ चश्मा ना जितना मेरे पे सूट करता है ना, किसी जिमी कैमल, जिमी फैलन पे सूट नहीं करेगा। ओके ओपी भाई, सो ओपी यस, ठगेश काफी ओपी इन सारी द कमेंट्स। मेहनत, परिश्रम और बाप के गांव की जमीन बेचने के बाद, वो भी उनको बिना बोले, आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द थगेश शो। यस, आप लोग सोचोगे कि क्या है द थगेश शो। ये एक बहुत ही फ्रेश कंसेप्ट है, इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक होस्ट बैठ इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। रैन, दो गेस्ट आने वाले हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। एंड कपिल शर्मा शो लाफिंग इन द कॉर्नर, बट एक्चुअली कपिल शर्मा शो से ज्यादा फनी होने वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कपिल शर्मा जल्दी यूट्यूबर को नहीं बुलाता, यूट्यूबर को बुलाता तो उसकी रीच एक्चुअली वो फनी होगा बिकॉज ये पॉडकास्ट नहीं है। इस शो पे बड़े से बड़ा यूट्यूबर आएगा, तुम लोग नाम लो, मैं उसको बुला लूंगा। क्योंकि ना जब वो यूट्यूबर मेहनत कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, कंटेंट बना रहा था ना, तब मैं उनके डीएम में उनसे कांटेक्ट बना रहा था। एंड गाइस बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये शो मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो है, बिकॉज एक यूट्यूब इंडस्ट्री में मैं रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहा होता ना, तो रीलर्स पे एक और रोस्ट बना देता। तो तुम लोग देख रहे हो, सेट तो अपना ग्रैंड है और हम भी ग्रैंड है, एंड ग्रैंड ओपनिंग भी है। तो तुम लोग को नहीं लगता गेस्ट भी ग्रैंड होना चाहिए, एकदम दमदार गेस्ट होना चाहिए? नहीं। तो गेस्ट, हमारे पहले गेस्ट कौन है? ये बंदे ने यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज को अपना होम पेज बना के रखा है। यस, इंडिया में बंदों को यूट्यूब के बारे में बाद में मालूम पड़ा, पहले इसके बारे में मालूम पड़ा। एंड हमारे जो सेकेंड वाला गेस्ट है सही इनके बात है, साथ, यूट्यूब जब चलता था तो हम लोग आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले से बीबीक्यू वाइंस, बीबीक्यू वाइंस। मुझे अभी भी याद है जब वो होला वाला एपिसोड आया था ना, होला अंदर से बोला बाहर से, तो मतलब वो लोग ना बोलते थे हम कि वे होली के दिन पैदा हुआ था, लोहड़ी के दिन नहीं पैदा हुआ था, ये सब जो है ना हो ये। साथ वाले इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके नाम का ढिंढोरा पीटते। यस, ढिंढोरा सो गाइस प्लीज वेलकम द थगेश शो के पहले गेस्ट ऑफ सीजन 1, भुवन बाम एंड उनका वॉलेट रोहित राज। रोहित राज इन्फॉर्मेशन, मैंने ताजा खबर देख ली है भाई, ओपी सीरीज जाके देखो अब भी इस वीडियो के बाद। भुवन भाई एंड रोहित भाई, वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो। थगेश शो है? है? थगेश शो है? हाँ। अच्छा, मेरे को सन ऑफ अ बीच भैया, थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है मेरे को। कोई बात
नहीं आपके लिए बोल रहा हूँ, चिल रहो एकदम, अपना ही है सब, इधर आके बैठने का तो इधर आके बैठ जाओ। हरेशवन भुवन जीरो डिंडोरा मिले थे, ऐसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा था, मैं था उसमें, मालूम पड़ा कि नहीं, कहाँ पैंट्री, पैंट्री में दूसरे सेट पे कहीं गए, कमेंट सेक्शन में था, पैंट्री में नहीं। हाँ, कभी सोचा आपने हमारे बारे में? बहुत। आपने जब वीडियो डाला ना भाई, 3 दिन तक मेरे को ऑडियंस आके बोल रही है थकेश भाई कहाँ पे, थकेश भाई कहाँ पे, पीछे वो भाजी वाला था वो बोल रहे हो देखो वहाँ पे। मतलब कुछ क्राइटेरिया था क्या ऐसा, इसको ऐसे कर, ये क्रिएटर रहेगा इसके इतने सब्सक्राइब। तो किसी के शो पे भी नहीं आया भुवन बाबू इस तरह, ठगेश के शो पे सीधा आ रहा है, बस रहेंगे तो इसको बुलाएंगे डांस करने। नहीं ऐसा नहीं था, फोन किया, नंबर नहीं था तुम्हारा मेरे पास। सिंपल। हाँ सिंपल, नंबर नहीं रहा। ठीक है भुवन भाई, अगर आपने अभी शंखनाद बजा ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे शो का फॉर्मेट ना अभी रोस्ट वाला है, ठीक है? रोस्ट वाला फॉर्मेट है, एंड आपको मेरे को रोस्ट करना है, मैं आपको रोस्ट करूंगा, बुरा मत मानना, बीच में से उठ के मत चले जाना। मान चुका हूँ, बहुत पैसे डाले सेट में, कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा दिमाग लगा लेते। ठीक है आशीष चंचलानी एंड भुवन बम में पता है क्या सिमिलैरिटी है? क्या है? आशीष चंचलानी अपने फ्रेंड्स को वीडियोस में लाके पकाता है और आपको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं। पता है भुवन बम के कोई हेटर्स क्यों नहीं है? बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर्स भी भूल जाते रहेंगे। एक है जो साल में एक वीडियो डालता है, एक है जो रोज वीडियो डालता है। अच्छा ऐसे खुद का भी बनाया करो कुछ। ऑनेस्टली जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ यूट्यूब पे? नाम मालूम है, थगेश, थगेश अनफिल्टर्ड, दो चैनल है। बिल्कुल, थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। मजाक से हटके ऐसा लगता है कि भाई हम भी जा सकते हैं। बिल्कुल है ना रोहित भाई, बहुत पैसे आपके पास। अरे सीजन 2 में मेरी भी शक्ल वकल थोड़ी ठीक ठाक है क्या? मैं देखो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महेश बाबू की आधार कार्ड कॉपी के साथ महेश बाबू एक्चुअली उसका शक्ल मिलता है भाई थोड़ा सा महेश बाबू से। हाँ तारीफ करो ठीक है, बस महेश बाबू की हाइट है। मेरे को ढिंडोरा में आपने इनवाइट नहीं किया, मेरे को बुरा नहीं लगा, ताजा खबर का ट्रेलर आ गया, मैंने आपको इनवाइट कर दिया, माइक ड्रॉप मोमेंट। भाई ट्रेलर में आप वसंत गावड़े हो जी, वसंत गावड़े के पास कुछ मैजिकल पावर्स है क्या एग्जैक्टली? यार उसको स्पॉइलर अलर्ट, सारी खबर ना वक्त से पहले मिल जाती है। सारी एग्जांपल जैसे ये शो वायरल होने वाला है ऐसा कुछ? हाँ मिल चुकी है, मिल चुकी है। तुम चलो बढ़िया, तुम लोग सब्सक्राइब करने वाले हो मेरे चैनल को ताजा खबर। मेरे को आप ना बहुत ये लग रहे हो, ढिंडोरा में भाई लॉटरी से पैसे निकाल रहे थे, ताजा खबर में भाई वो न्यूज आके क्रिप्टो से पैसे निकाल रहे, दो नंबर के धंधे के आइडिया आपके है, आपके इनके इनके है भाई। मतलब ढिंडोरा तो ऑफकोर्स भाई की देन, भाई की सोच। यस yes. एक दिन रात को ऐसे 4 बजे फोन आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट सोच लिया, वन लाइनर ही है, अब बताओ क्या करना है। तो फिर वहां से एक बार ही वन लाइनर आ गया, गूजीज आ गए वो सुन के, वो वन लाइनर का गेम है सारा। सही नवाजुद्दीन वाला कैरेक्टर और डायलॉग शाहरुख वाला, वो ढिंडोरा का मेरा फेवरेट डायलॉग है, वो प्यार बवासीर की तरह होता है, होता है प्यार दर्द ही भर देता है। अरे यार अक्षय वाला यार, मेरे को ऐसा लग रहा है लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, मूड मूड की बात है। अब जैसे ये भी नया है, या तो अच्छा करने की बात है। हाँ ये तो नया है ना, ये वाला शो भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। हाँ। तो एक तो किल हो जाएगा ये। हाँ। जिस दिन आएगा ये वाला एपिसोड, क्योंकि पहले ही चलेगा एपिसोड। हाँ। भुवन अगेंस्ट वन सीधा पहले ही चलेगा ये एपिसोड। अरे मेरे को डायलॉग्स बहुत एक नंबर लगे भाई। हाँ। वडाला का वुल्फ, मुंबई का किंग, चेंबूर का चीता, थाने का टाइगर, ये नहीं बोलना चाहिए था आपको। पता है थाने से कौन है? थाने का एक ही टाइगर है। ये करी ना बात। थैंक यू। थाने के बारे में जानते हो क्या कुछ? थाने आए हो कभी? थाने में एक आध बार आया हूँ। क्या करने? बस पहुंच गया था, जा रहा था तो बीच में पड़ा। गुप्ता कोई नहीं है
रुकता हाँ मतलब आगे ही जाना था, मुझे नहीं पता था आप थाने से हो। मैं थाने से हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं वहाँ से। गूगल में रोस्ट वाला खत्म हो गया। मैं देखते हो क्या? मीम देखता हूँ। आप देखते हो? खूब भाई, हम तो बहुत शेयर करते हैं, बहुत शेयर करते हैं भाई। सिर्फ कंटेंट देते हो मीमर्स को? नहीं नहीं, हम शेयर करते हैं बहुत। 10 महीने में एक वीडियो आती है भाई, क्या कंटेंट देते हैं। थोड़े से मीम्स बनाए आपके लिए। हाँ, मेरे को चाहिए कि आप रिएक्ट करो उन पे। ठीक है, चलो। बहुत स्पेशल मीम। वो उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो। आयरनी देख रहे हो? आयरनी मीम्स है। लेट्स सी आपको पसंद आते हैं कि नहीं। सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू वेयर अ मीम। ओके, ठीक है। ओके, व्हाट इफ यू वेयर अ मीम, लगाओ। किससे कहानियों में ही सुना था अब तक, पर आज पहली नजर में प्यार होने का मतलब समझ आया है। अरे यार, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। किसने बनाया? ये बनाया किसने? ये टीम ने बनाया भाई। भाई बहुत जबरदस्त बनाया, मैं फ्लिप कर गया। मुझे लगा अभी कुछ ऐसा कुछ फनी चीज आएगी। नेक्स्ट टीम लगाओ। मुझे लगा कुछ फनी चीज। अरे यार, अजनबी मुझे लगा ही कुछ ऐसा होगा। जुड़ जाएगी कुछ। ये बढ़िया था, बहुत ज्यादा। ये कहीं पब्लिक नहीं किए? कहीं पब्लिक नहीं किए, एक्सक्लूसिव आपके लिए बनाया भाई। भाई कर दो ना, कर दो ना। इस एपिसोड के बाद कर देना। एपिसोड छोड़ो भाई, ये गानों पे क्लेम तो नहीं आएगा ना मेरे को? नहीं आया क्लेम, नहीं आया क्लेम, हटा दे। हाँ, हमारे गाने वैसे कोई नहीं सुनता। मीम। टीटू मामा रिएक्ट्स टू ताजा खबर। ओके, मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वड़ाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल भाई बंद कर, क्या कर। बाप ने दारू पिया, आई को भाई क्या सीरीज है, जाके देखो एक बार। मैं इधर उधर का सब लफड़ा सुलटाया, दुनिया भर का संडास सुन। तू पागल है? ये वीडियो देखो, दुनिया भर का संडास सुन। तू पागल है? लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा? टेंशन मत ले, तेरा मामा तेरे साथ खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपनी जिंदगी शांति से जीना क्यों उंगली करता है? किधर जा रहे? औकात के बाहर। नुनू नॉट इवन चार, ख्वाब जैसा कुतुब। समझ में नहीं आ रहा, ये वरदान है या श्राप, नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है। सुंगला पता चल जाएगा। बाकी रोहित भाई जी, भाई आप भुवन भाई को मैनेज करते हो, आपको कौन मैनेज करता है? भाई कोई है? मेरे को पैसा बोलोगे। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हो। हाँ। तो क्या रियल में बैठे थे शौचालय में के सेट बनाया था? सेट था, और मजे की बात ये कि हाँ। वो इतना रियल था कि कोई रात को आके मूड गया उसमें। ये सोच के कि असली सेट है, सुबह बेचारे सबको साफ करना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना रियल सेट वो। अभी एक मैं आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसमें सिक्के गिन रहे हैं? मैंने ये अभी 11-12 मिनट हो रहा है शो का, आधा भी नहीं हुआ है, और अभी ये भाई क्या मस्त हो गया। मतलब ठगेश की फेवरेट ये हो गया, मैं ठगेश का फेवरेट हो गया है, ये जो भी ठगेश के चैनल से फेवरेट हो गया है। अभी तो और कौन कौन आने वाला है? आएगा आशीष सिंह रानी, करमी नाडी, ये सब तो पक्का आएगा, देख लेना। 12 मिनट हुआ है मैंने देखा। गल्ला कितना होता है दिन का?
शौचालय वालों का? यार डिपेंड करता है कि आप कहाँ लोकेटेड हो, कहाँ क्या लोकेटेड हो, कितना होगा दिन का? दिन का हो जाएगा ₹1,000-1,500 तो हो जाएगा मिनिमम, बट बॉम्बे में तो बहुत लोग यूज करते हैं। तो वो सैलरी आपका रहता है जो गल्ले पे बैठता है, ओनर का रहता है वो, क्योंकि मैं ही ओनर हूँ उसमें। हाँ तो मतलब कौन मार रहा था आपको वो पता चलेगा शो आने के। स्पॉइलर अलर्ट है, बोल देते हैं जो कि देख ही लिया होगा अभी तक सब ताजा खबर। तो उसमें वो किसी के लिए काम करता है, उसके पैसे संभालता है, वो उसका ओनर खुद है पर उसके वो पैसे भी संभालता है, हवाला के पैसे टाइप्स कुछ। तुम्हारा यार मैं तो निकल जाऊंगा भाई। अरे यार मेरा बहुत मन है यार, एक तो यार निकलवा रहा है यार, मैं तो निकल जाऊंगा भाई। अरे यार मेरा बहुत मन है बताने का यार, लेकिन ठीक है अभी जब आएगा तो। मेरे को लगा कमीशन बेसिस पे था। नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ वो जितना कमाता हूँ वो मैं ही रखता हूँ अपने पास। सॉरी आई डोंट नो मैं डालूंगा कि नहीं, लेकिन मेरे को पर्सनली जानना था तो मैंने पूछा। हाँ। सोचो अगर कमीशन बेसिस पे रहेगा खींच के लाएंगे ना, हगो हमारे इधर आओ। हाँ जबरदस्ती सारे आसपास के बंद करवा देंगे। मेरे को लगता था भाई खाली खाना अंदर डालने में बहुत पैसा है, खाना निकालने में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा। एनीवेज निकलवाने में पैसा है। पता है क्या सिमिलैरिटी, एक आप भी टट्टी देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पे टट्टी देखता हूँ, आप भी उसमें टट्टी साफ कर रहे हो, मैं भी रोस्ट करके टट्टी साफ करता हूँ भाई। तो हमारे शो को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक सेगमेंट रखा है थग टॉक्स। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से थग लाइफ वीडियोस बनाता था, होता है ना चश्मे विश में। तो मेरे को चाहिए कि हमारे गेस्ट ना अपने लाइफ की एक थग लाइफ या एक सैवेज स्टोरी शो पे बताए, और जो भी वो अच्छी स्टोरी निकलेगी उसको सर्टिफाइड थग का एक गिफ्ट मिलेगा। पता नहीं ये ठग ही होगा, आई थिंक उन लोग को तो मिल गया आंसर। बट ऐसे गए थे हम 2018 में उदयपुर एक ऐप की प्रमोशन के लिए, उन्होंने कहा कि आ जाओ हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है हम आ जाते हैं संडे को। भुवन ने बस एक स्टोरी डाली कमिंग टू उदयपुर टुमारो, तो हम भी पहली बार जा रहे थे, तो हम लोग एजेंसी वालों से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्लीज, मैंने कहा कि यार मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे 12-14 था मैंने कि कितने बंदे आ जाएंगे, शाहरुख खान आया था, ऐसे कुछ था ये के आसपास सिक्योरिटी बाउंसर्स की सिक्योरिटी आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, 4 की परमिशन है हमें, हम नहीं दे सकते 14। तो आई मेड श्योर कि अगले दिन 12 तो एटलीस्ट आए, और इवेंट ऑर्गेनाइजर आए जो मॉल के रेगुलर इवेंट्स कराते आ रहे हैं। मुझसे कहा ऐसा कौन आ रहा है, अभी 10 दिन पहले तो एक यहाँ बॉलीवुड का सुपरस्टार आया था, उसमें टोटल 10 बाउंसर लगे थे, 12 है एक। तो मैंने कहा कि नहीं साहब हो सकता है जरूरत पड़े। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप वेस्ट करा रहे हैं पैसा कंपनी का, ये वो, इतनी कोई जरूरत नहीं, देखिए मैं लड़के खड़े हैं यहाँ पे, ये वो। हमें आधे घंटे वहाँ परफॉर्म करना था, भुवन के साथ हम लोग निकले और मॉल के बाहर पहुंचे, और मॉल के बाहर खचाखच भीड़ की, हम लोग भी गाड़ी से नहीं उतर सकते। उसके बाद भुवन ऑलमोस्ट फ्लोट करते करते स्टेज तक पहुंचा। हाँ मुझे तो याद भी, मैं चल के नहीं गया स्टेज तक, मैंने दोनों टांगे हवा में कर ली और जो ले जा रहा है जो ले जा रहा है उसके साथ जा रहा हूँ। हमारे भुवन के साथ ऑलमोस्ट 450 लोग उस स्टेज पे चढ़े, क्योंकि देयर वर 5000 पीपल इन दैट मॉल, और वही बंदा जिसने मुझे 2 घंटे पहले बोला था कि ऐसा कौन है, आधे घंटे की परफॉर्मेंस होने के बावजूद ही केम टू मी इट सेड विद इन 8 मिनट्स कि सर आप इनको प्लीज लेके चले जाओ, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। एक मिनट, ये किसका था? मैं बंदे ने रियल लाइफ में ये क्रैश करा दिया, इन्हें इंटरनेट क्रैश करा दिया, रियल लाइफ में क्रैश करा दिया। कलेक्टिव हुआ, कलेक्टिव अपना ही है भाई, इसमें गिफ्ट एक ही लाया हूं यार, ये ऐसा मत करो, घर एक ही लेके जा रहा है, एक ही घर में रहते हैं हम, दो तो दो तो है कि भी नहीं, मेरे को ये भी डाउट है, है भाई है कुछ या खनखन बज रहा है बस नीचे क्या है? बहुत मेहनत से बनाया, बहुत नहीं बकचोदी नहीं है भाई, नहीं है भाई, बहुत लगन से बनाया, ये सिंबल है थग लाइफ का, और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए भाई सर्टिफाइड वो ग्लासेस सेक्सी ब्रो भाई, ये किया है ना कुछ यार, ये जबरदस्त चीज है यार भाई, हाथ लगाओ भुवन भाई को, हाथ लगाओ, कहां मिलता है बताओ, हमें भी लेना है वो वाली फोटो होती है ना, वो मीम याद आ गया मुझे, बस वो फ्रेम में ना आड़े, लेके जाओगे ना? हाँ लेके जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेके विंडो से देख रहा हूँ, लेके जाऊंगा, हाथ निकल रहा है भाई, मेरे चश्मों का बहुत शौक है यार, ये पहनने वाले नहीं है, नहीं इन जनरल बहुत शौक है, देखने में भी मजा आता है मुझे, आप दोनों के लिए है ये, थैंक यू सो मच भाई, मजा आया भाई। और कोई स्टोरी सेट ताजा खबर की
लाइव चौल में शूट किया हमने। चौल में अच्छा एक भाई स्टोरी थगेस्ट इतना फनी पार्ट लग रहा है, पर लिटरली मैं बता रहा हूँ मेरा ध्यान भुवन राम से हट नहीं रहा है। मतलब एक फ्रेम में दोनों तीनों तो मेरा ध्यान से भुवन राम पे जा रहा है। पता नहीं अब वो फैन हूँ इसीलिए बाइस्ड है या फैन तो सजेस्ट करती हूँ, लेकिन ये बाइस्ड है या जो भी है नेचुरल है भाई, भुवन राम पे जा रहा है सारा कॉन्सेंट्रेशन। स्टोरी भी है चौल की, हाँ हमने मना कर दिया लोगों को क्योंकि लाइव चौल में शूट हो रहा था। अब आप चौल के लोगों को मना नहीं कर सकते, पिटेंगे भाई अंदर जाने के लिए। अब बालकनी से देख रहे हैं तो देख रहे हैं, क्या बोले हम। पर क्या होता था, हम बोलते थे कि वीडियो मत बनाओ कि ये शो आएगा, ये शो आएगा एक साल बाद, एक डेढ़ साल बाद। एक तो कैसा डेढ़ साल से शूटिंग चल रही है, अच्छा थोड़ी लगेगा अभी ये सब दिखा दोगे। घर गए एक दिन, अपलोडेड थे चार पांच सीन व्लॉग्स और मुझे वो दिख गया था वीडियो बनाता हुआ व्हाइल आई वाज टेकिंग अ शॉट। फिर भी कुछ कर नहीं पाए, पहुंच गए घर उसके अगले दिन। हमने कहा देख सुन तू मेहनत करेगा बड़ा होके जॉब करेगा ये सब करेगा वो सब करेगा, जब तेरी सैलरी आएगी और मैं ले जाऊँ सैलरी तेरी कैसा लगेगा तुझे। सही बात है भाई, मैं लगेगा ना। मैंने देख हम ऐसे मना रहे हैं यार सुबह सुबह उठ के, मैं मत कर ये सब यार। फिर समझ गया वो, हटा दिया उसने, मेरे को लग रहा है उसने अनलिस्ट ही किया है। पेमेंट कैसा रहता है इसे किसमें हॉटस्टार की वेब सीरीज में, आप खुद सैलरी ड्रॉ करते हो या क्या करते हो? डंडोरा में भाई ने और मैंने एक एक जूते लिए थे, वो हमने प्रॉमिस किया था कि स्नीकर्स लेने कि अभी क्या अभी शुरुआती दिन है चीजें बनाने के, तो अभी कमाने का सोचेंगे। सही बात है, क्या चलेगा या तो ये सही बात है। अगर आप ये स्टार्टिंग में सोच लो भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए ही करना है, नहीं होगा भाई नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगा। ठीक है अपन डाले जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो डाले जा रहे हैं, 6 महीने से डाल रहे हैं, 166 सब्सक्राइबर 68 सब्सक्राइबर ऐसे कुछ हुए हैं, 100 सब्सक्राइबर के पार हुए अभी। ठीक है तो अगर सोचोगे ना तो गिव अप कर दोगे, सीधा गिव अप कर दोगे कि नहीं पैसे तो नहीं आ रहे, और रिएक्शन चैनल में पैसे है भी नहीं, शौक के लिए बनाता हूँ मजा आता है। क्लियर रखो कि पैसे कमाने या तो ये क्लियर रखो कि काम करना है। अगर पैसे कमाने तो हर हफ्ते डाल सकता हूँ मैं रील्स। भाई ये क्या मेरे पे नहीं मतलब ब्रांडेड कुछ भी बना के डाल सकते हैं ना। हाँ, ब्रांडेड कंटेंट वो विजन ही नहीं है, ये भी वापस मेरे पे शॉट है। अरे भाई मैं भी करता हूँ ब्रांडेड कंटेंट, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे जा रहे हैं ना दो तीन बार से तो ये ब्रांड से। रोहित भाई आपको मतलब एक सिमिलैरिटी है भुवन और मेरे में, दोनों की इनकम सेम है, बताओ कैसे। सही भाई, मैं साल भर जितने वीडियोस डाल के कमाता हूँ ना, भुवन भाई एक वीडियो डाल के कमा लेते साल में। ये झूठ है, ये झूठ नहीं है भाई, इस कमरे का सबसे अमीर आदमी इस तरफ बैठे है, ये बैठे। अरे भाई कैमरा घुमा के देखो तो ताम झाम जबरदस्त। मेरे को ये पूछना है कि ये सेट कैसे बना, किसका आइडिया था, क्योंकि मेरे को बहुत यू सॉ माय रिएक्शन जब मैं आया। थैंक यू मेरे को टिटू मामा एपिसोड 5 में बुलाने के लिए। जब मैं आया तो यू सॉ माय रिएक्शन, क्योंकि मेरी फट गई, मेरे को ऐसे देख के लगा कि भाई ये कहाँ आ गया मैं, इतना सुंदर सेट है। सेट बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू यार ये करने के लिए, थैंक यू। बट हमने मोस्टली ये इसलिए भी किया ये वाला, क्योंकि हम बात करते थे कि हम तुमसे कभी मिले नहीं लाइफ में। अरे सो स्वीट यार, तो हम मिलना चाहते थे, ये था दिमाग में बिल्कुल हमेशा से। हाँ ये शूट तो पहले हो चुका होगा, वो ताजा खबर का जो प्रेम प्रीमियर था वो बाद में आया है ना, तो पहली बार इस शो पे मिला है शायद तुमसे। मुझे YouTube में दिखे हो थंबनेल पे, जाने के पहले ना एक कस्टमाइज्ड आपके लिए एक सेगमेंट बनाया मैंने, हमारा गेमिंग सेगमेंट है लेवल अप। लेवल अप पे मैंने एक सेगमेंट बनाया ताजा खबर और नॉट, अच्छा उसके बारे में आपको लेवल अप जोन में बताता हूँ। अच्छा शिफ्ट हो रहा है क्या मामला उधर, नाइस खर्चे वाली बातें हैं ये सारी। लेवल अप बढ़िया बना है यार, बड़ा भी है। हाँ तो रोहित भाई भुवन भाई ये हमारा गेमिंग जोन है। हाँ पता है ऐसा बहुत सारा शो है, मतलब जो सवाल जो आप पूछते हैं गेम खेलते हैं यूट्यूब पे चलता है, ऐसी टीवी पे आता है, ऐसी हॉटस्टार वगैरह पे भी आता है, पर मतलब आप अगर उसको 15-20 मिनट तक देखोगे ना तो बोर हो जाओगे कि यार
क्या चल रहा है, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आएगी तो आप बोर हो जाओगे, पर अभी तक 20 मिनट हो गया वीडियो का, बोर तो नहीं हुआ अभी तक, मैं मजा ही आ रहा है। ये हमारा गेम है, प्लान मेरा स्क्विड गेम्स खेलने का था, उसका परमिशन आपने दिया नहीं, पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं दिया, बट एनीवे सिंपल सा गेम है। आपके सामने क्यू कार्ड है, मेरे सामने क्यू कार्ड है, वाइब पूरा ताजा खबर वाला है। तो आपके क्यू कार्ड में ना एक न्यूज है, मस्त सी न्यूज है, उसके सामने लिखा है वो रियल है या फेक है। ओके, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि वो न्यूज रियल है। अच्छा, सिंपल से पढ़ के। तो इट्स मी वर्सेस हिम और यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, यू वर्सेस हम दोनों, फिर ये जब बोलेंगे हम अच्छा दोनों वैसे, तो मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मैं भी ले डूबेंगे। और जो भी ट्विस्ट है, हाँ अच्छा, जो भी गलत बोलता है, गलत गेस करता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज रियल थी एंड इन्होंने बोला फॉल्स है, इनको निकालनी पड़ेगी एक चिट्ठी। अच्छा, चिट्ठी में होगा एक नाम इन ड्रिंक्स में से, बहुत ही खतरनाक वाली ड्रिंक है, मेरे को भी मालूम नहीं है क्या, बट वो फिर पीनी पड़ेगी, सिंपल है। अल्कोहल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। फन भाई सोच रहे हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। भाई ये हम लोग कर सकते हैं, ये दोस्तों के साथ खेलने के लिए बढ़िया है, जो ड्रिंक्स के बदले पार्टी वार्टी अलग चीज, ड्रिंक्स के बदले वो कोई टास्क कर सकते डेयर टाइप से, सही है। सो जाता घर पे जाके, खट्टी डगारे आ रही है अब देख के। ठीक है मैं शुरू करता हूँ, ठीक है तुम लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। हाँ ओके, सऊदी अरेबिया में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, कैमल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, ऊंट का। उसमें से 40 ऊंट डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया था। तो ये रियल है या फेक बताओ। रियल है, पक्का रियल, 100% That's right, रियल है। बस क्यों मैं नहीं आज, मैं ये मान लिया मैंने, पीना ही नहीं मैंने। Nice. अच्छा मेरे को पीना पड़ेगा अभी। उठाओ भाई पर्ची उठाओ। स्वयं मैं दूंगा आपको, क्या है ये बताइए? क्या है भाई? ग्रीन चिली, रेड चिली, लवरी है नहीं? किस्मत देखो, पहली बार चिट उठाया, अब पहली बार में ही रेड चिली, वो भी होस्ट है वो खुद सो का। क्लिप मार रहे हैं प्रोडक्शन क्या? अच्छा हम करते तो बॉटम सब था है, चेक कर रहा था मैं है, ठक चक। ये अच्छा था, ठक चक ठक चक। एक बार में भेजा भाई, मजा आ रहा है इसको, माल तो नीचे रह गया भाई, वो हिला के पीजा। टेस्टी लगा साला, फाफे पी रहे यार, अभी भी रहता है वैसे। बस बस भाई थोड़ा बीट वाला करो, थोड़ा बीट वाला डाल दो। चलो नेक्स्ट भुवन भाई। उत्तराखंड के फार्मर्स अपने खेतों से जंगली सुअरों को भगाने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर यो यो हनी सिंह के गाने बजाने लगे, और वो गाना सुन के जंगली सुअर सच में भाग जाता है। ओए यार कभी फिल्म का रोस्ट हो गया। इट्स अ ट्रॉन, इट्स अ ऑन करेक्ट न्यूज लिखा है उसमें, हैं लिखा है? अरे भाई बताइए तो, बताइए आप भी तो बताइए। मन घटत लग रहा है मेरे को। फॉल्स भाई, ऐसे आ जाओ, गो फॉर इट ब्रदर, ट्रू है ब्रो, सिर्फ वही, सिर्फ वही। कहीं ये क्या होता है भाई? बारबेक्यू, पता लगा दूसरे तक पहुंचे ही ना, यहाँ वॉशरूम वॉशरूम है ना, क्या बात है, मजा तो आ रहा है इसको, सारा माल नीचे रह रहा है, चम्मच है क्या अपने पास? फेंटी मार के पिलाओ इसको। हाँ अगला तुम्हारा ही आने वाला है, लाओ चम्मच। अरे मैं हाँ चलो। एक हिंदी न्यूज चैनल का ये दावा है कि मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया को दूसरे प्लैनेट्स के एलियन उठा के ले जाने वाले। उड़न तस्करी एक अनसुलझी पहेली के लेखक का ऐसा कहना है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। ट्रू, चेंज कर सकता हूँ? नहीं। It's an honest news. Please go for it. भाई ये कौन सा न्यूज़ कवर कर रहे हैं? ये हमको नहीं पता। अरे भैया ठग ये खबरें शो चलाता है, उसमें इतना वियर्ड वियर्ड न्यूज़ आता है यार।
हमको बस यही बात हंसी आ रहा है कि तीनों अभी तक कुछ नहीं पिया है, शो का कंसेप्ट ठगेश का था, ठगेश तीन ड्रिंक पी चुका है। अरे भाई मैंने इसका थंबनेल देखा है, प्रॉपर यूएफओ आता है, गाय को ले जाता है और कहता है इमेज के गाने, मैं देखा है ये न्यूज एक्चुअल में, लेकिन ये रियल नहीं है ना, ये न्यूज नहीं है, ऑनेस्ट न्यूज, ये फैक्ट नहीं है, कौन लिखा है ये फैक्ट नहीं है, ट्रू ट्रू इट्स ट्रू भाई, ये गलत कर रहे हो भाई। अरे मजा मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा, कर तो मैं काम कर, कितना लंबा है भाई, या गार्लिक इट्स हियर इट्स हियर, पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई, अरे यार Go for it, भाई फिर हिला के दूंगा। अबे यार, तो पता है मीनिंग दूसरा है। सुनो एक बार। भाई, अरे यार। Go for it, भाई फिर हिला के दूंगा। हिला के। भाई थोड़ा सा इसको रेड चिली में फेटी मार दें। सॉरी भाई। हम भी पार्टी से बैठे हैं। सॉरी फॉर कमिंग ऑन टीवी टॉक्स 5। दो फुट लंबे आदमी ने पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको एक दुल्हन चाहिए। दो फुट के आदमी ने पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको दुल्हन चाहिए। फॉल्स। इट्स फॉल्स। बंदे का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है भाई। यो यार ये न्यूज़ है भाई, न्यूज़ है ब्रो, हाथ से लिखी न्यूज़ है, बनाई गई है, ये अभी बनाई गई ऑन द स्पॉट। आपका सोया है, ड्रिंक। यस भाई, खुशी देखो चेहरे में, खुशी कमिंग चेहरे से टपक रही है। हाँ भाई चलो आओ। गोवा पुलिस ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपाई है कि जो जो नशेड़ी गोवा में सरेंडर करने पर सी फेसिंग प्रिजन में सजा ऑफर करेंगे। मेरे को फॉल्स आ रहा है, लेकिन मेरे को सोचने दो रुको यार। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हम तो डूबे थे ना, तुमको भी ले डूबे पियो। सच में ये रोहित भाई यार, एक बार भरोसा किया आप पे, डुडुम पिश हो गया तुम्हारे साथ। बीट बीट उधर लाल चिड़िया की। नॉट बैड नॉट बैड। चीयर्स ब्रो। चीयर्स। चीयर्स ब्रो। यार अपने को ये गेम खेलना है, मुंबई के एक आदमी ने मुंबई से चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की सारी बिजनेस क्लास सीट्स बुक कर ली अप्रोक्स 5 लाख के कॉस्ट में, ताकि वो नहीं लेकिन उसका कुत्ता टांगे फैला के आराम से ट्रैवल कर सके। That's true. कितना बुक किया भाई उसने? पूरा बिजनेस क्लास बुक कर लिया फॉर 5 लाख। फॉल्स। चलिए साहब, अभी सारा न्यूज़ ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है। चल मैं अभी तो नोटिस करना, सारा न्यूज़ ट्रू है। दो आ गए भाई, 11 प्लस बनेगा भाई, ऐसे बनेगा ये, देखो ऐसे। इसमें और क्या डालना भाई? ये है लेमन प्लस विनेगर बनाया हुआ भाई। Come on, भाई। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई के साथ थोड़ी सिंपति दिखाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको भाई के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा लग रहा है। जल्दी पी। भुवन साइनिंग ऑफ। एक मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, टीटू मामा की आवाज में एक बार। हाँ तो बेटा ये 2G पे महेश बाबू का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लड़का है। तो मेरे को बस एक टिप दो, शाहरुख सर को शो पे कैसे लाना है? ट्रिगर्ड इंसान करके एक मेरा दोस्त है, उसके लिए पूछ ले। 3-4 बहुत अच्छे एपिसोड्स होने चाहिए। एक तो गया। अरे भाई, ओवरऑल कॉमेडी में हंसते हंसते पार हुआ है, बेस्ट है बेस्ट है। वो हमको सबसे अच्छा लगा था, वो बोला ना कि अरे यार कौन सा था जो वो बोला था कि ये नहीं, वो मीन सेगमेंट वाला जितना पार्ट था ना, वो ओपी था, ओपी था। ये लास्ट वाला जो कितना तगड़ा था, ये तो गया, जबकि ये सबसे हिट होगा गारंटी, और भी व्यूज आएंगे, लेकिन ये भुवन बम को पहले एपिसोड में बुलाना, इट्स भाई अपने में कमाल का बात है। दोनों इतना फनी, और ऊपर से वो क्या बोलते, वो जो गेम हुई ना वो शॉर्ट्स वाली, वो उसमें तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा ठगेश के लिए लगा। उसने वो कंसेप्ट बनाया, वो सारा लिखा, वो जो भी किया, और ये देखना कि सारे न्यूज ट्रू थे, ठीक है, सारे न्यूज ट्रू थे, और ये फॉल्स फॉल्स बोले जा रहा था, जितना बार फॉल्स बोला उतना ही फंसा है, ये ट्रू पे नहीं फंसा है। और सबने एक ही ड्रिंक पी, वो 4-5 ड्रिंक पी लिया,
सही है। तो भाई बहुत वैसे ही रिएक्शन की इतना लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा का वीडियो डालेंगे कोई देखेगा भी नहीं, तो इसीलिए हम ये वीडियो को खत्म कर रहे हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका एपिसोड अगले वीडियो में।